अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हम सब? उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के व्लॉग में मैं शेयर करूँ आपके साथ अपनी किचन क्लीनिंग रूटीन। मंथली क्लीनिंग रूटीन है ये मेरी, और विदाउट किसी क्लीनर के आप इसको कैसे साफ़ कर सकते हैं, और जो आजकल काफ़ी सारी वीडियोस चल रही हैं कि ये वाला क्लीनर आप बनाएं और किचन को चमकाएं, और इस तरह का कोई क्लीनर भी आपको बनाना नहीं पड़ेगा और आप बहुत आसानी से अपने किचन को साफ़ कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी स्टेप्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और सबसे पहले जो है ना, मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो क्लीनर्स मोस्टली जो बनाते हैं घर में और जो मेथड बताया गया है वो ये है कि उसमें ना सिरका वगैरह ऐड करते हैं। तो सिरके से ये टाइल्स और जो मार्बल होती है जो हमारे किचन के टॉप पे लगी हुई होती है, काउंटर टॉप पे, ये आहिस्ता आहिस्ता क्रोड होना शुरू हो जाती है। इसके ऊपर वाली शाइनिंग लेयर जो है ना, उसमें क्रोजन आके सुराख हो जाते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर सुराख होते होते वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि सिरका जो है ना वो एक केमिकल के तौर पर उसमें एक्ट करता है। तो बहुत ही ईजी स्टेप है, और सिर्फ एक इंग्रेडिएंट से आप किचन को कैसे साफ़ कर सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो मैं अपने काउंटर सारे क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ से हटा दी हैं। उसके अलावा ये जो मेरा रैक था मैंने रखा हुआ है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने रखी हुई होती हैं, उनको भी मैंने यहाँ से हटाना है, क्योंकि मैंने रैक को वॉश करना था और उसके बाद मैं दोबारा उसको सब चीज़ों को साफ़ करके उसके अंदर रख दूँगी। कुछ वॉशेबल भी होती हैं, उनको मैं वॉश कर लेती हूँ, लेकिन मोस्टली चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मतलब मसाले वगैरह उसमें फिलअप हैं तो उनको मैं धो नहीं सकती हूँ, तो उनको मैं साफ़ करके बॉटल्स वगैरह उनको कर लूँगी। और मोस्टली जब भी मेरा कोई भी मसाला वगैरह ख़त्म होते हैं तो मैं उनको पहले वॉश करके फिर दोबारा रिफिल करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे सारे काउंटर्स वगैरह जो हैं उसके पर सारा सामान हटाने के बाद मैंने लिया है जी स्पंज, जो हम बर्तन वगैरह वॉश करते हैं उसका मैंने फ्रेश स्पंज लिया है। और उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे डिश वॉशिंग लिक्विड। लिक्विड जो हम घर में यूज़ करते हैं बर्तन धोने के लिए, सिर्फ वो मैंने लिया है यहाँ पर। उसको मैं पहले स्पंज के साथ लगा के जो वॉल टाइल है उसको मैं उसके साथ साफ़ करती हूँ, और जो ये फ्लोर जो है मार्बल का टॉप है इसको मैं तार वगैरह से भी साफ़ कर सकती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप रगड़ेंगे ज़्यादा तो भी कोई इशू नहीं होगा, लेकिन टाइल के ऊपर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे सारा जो था ना मैं इसको साफ़ कर दी। मोस्टली यहाँ पे हम और मेरा जो किचन है यहाँ पे मैंने घी और ऑयल वगैरह का वो सारी बॉटल्स यहीं पे रखी हुई होती हैं, तो कोई ना कोई स्पिल वगैरह होने की वजह से थोड़ी बहुत चिकनाई आ जाती है, इस वजह से मैं इसको तार के साथ साफ़ कर लेती हूँ। गर्म पानी के साथ मैंने इसको सारा क्लीन कर लिया है, जितनी भी वॉल्स थी उसके ऊपर भी सारा मैंने सोप के साथ कर लिया। अब यहाँ पे मेरा जो किचन है ना उसकी सेटिंग इस तरह की है, इसमें पानी जो है ना निकलने का इतना सिस्टम नहीं है, तो मैंने इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा के सारी टाइल्स को वॉश कर दिया। वॉश करने से ना बहुत अच्छी सी शाइन आ जाती है, और आपने ये ध्यान रखना है कि सारे का सारा सोप आपने पहले इसके ऊपर से हटाना है, उसके बाद आपने इसको सूखे हुए टॉवल के साथ ड्राई कर लेना है। इससे बहुत जल्दी एक तो ड्राई हो जाएंगे, दूसरा जो स्केल्स बन जाते हैं जो वाइट कलर के निशान आ जाते हैं टाइल्स के ऊपर वॉश वगैरह करने से या पानी की वजह से, वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और ये देखें बिल्कुल क्लीन हो गया है, बस मैंने सारा जो टॉप वाला पोर्शन था वो भी मैंने उसको अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है, और ये सारा जो है ना ये वाला पोर्शन मेरा क्लीन हो चुका है इस साइड का। अब उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह सारे वॉश कर लिए थे, तो ये सारे जो जो इसका स्टैंड है मैंने रखा हुआ है साथ काउंटर पर, इसमें मैं बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें रख लेती हूँ इस रैग में, तो इसको मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। और इसके बाद मैंने इसको अच्छे से ड्राई कर लिया था, सारे बर्तन जो थे दिन के और सुबह के नाश्ते के वो सारे मैंने यहाँ पे वॉश करके रख दिए हैं, और अब यहाँ पे दिन का टाइम हो चुका हुआ था, और ये सारे बर्तन जो इस स्टैंड के अंदर आने वाले हैं ये सारे बर्तन यहाँ पर पड़े हुए हैं, और इनको मैंने सबको साफ़ करके रख दिया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर बस मैंने इनको दोबारा से सेट करके लगाना था। अब क्योंकि खाने का टाइम था यहाँ पर, हम लोग बस खाना वगैरह खाने लगे थे, और खाने में भी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या बनाया था। मोस्टली मैं जो है करती थी कि ये जिस दिन कुकिंग ना हो उसी दिन किचन क्लीनिंग हो के या मैं शाम को कर लूँ, लेकिन शाम को भी बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन चल रही थी, इसलिए फिर मैंने खाना भी दिन को ही बना लिया। तो खाने मैंने यहाँ पे मैंने बनाया है चने, शोबे वाले चने बनाए मैंने, साथ बॉयल्ड राइस बनाए हैं, और अपने फादर इन लॉ के लिए मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि उनको उबले हुए चावल पसंद नहीं है, वो नहीं खाते हैं उबले हुए चावल, तो उनके लिए मैं रोटी बना रही हूँ। उस तरह के मैंने चने बनाए थे, बहुत ही मज़ेदार से ये बने थे, और चावल के साथ जो कॉम्बिनेशन हो वो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे रोटी भी तैयार थी उनकी, और चावल भी बिल्कुल रेडी थे, और यहाँ पे मैंने आलू की टिकिया फ्राई कर ली थी थोड़ी सी, और चावल जो है ना देखिए यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं, और साथ मैंने बनाया था रायता। तो ये सब का सब जो है ना खाना वगैरह रेडी हो गया था, उसके बाद खाना वगैरह खाया, बच्चों को भी खिलाया, अलीजा स्कूल से वापस आ गई थी तो उस टाइम पे थोड़ा सा ब्रेक हुआ था। उसके बाद फिर मैंने दूसरी साइड की किचन को क्लीन करना शुरू किया। दूसरे साइड वाला टॉप मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है कि वो ज़्यादा क्राउडेड नहीं है, उसमें बस छोटी मोटी चीज़ें रखी हुई होती हैं,
उनको बस मैं हटा देती हूँ और साफ़ करके दोबारा रख देती हूँ। सारी जो चीज़ें थी वो ऑलरेडी वॉश हुई हुई हैं, और ये जो हॉट पॉट है उसको भी मैं हमेशा जो है ना 2-3 दिन के बाद बर्तनों के साथ वॉश कर लेती हूँ। तो ये सब चीज़ें वॉश थी, और बस मैंने इसको काउंटर को साफ़ करना था और जो वॉल्स हैं वॉल टाइल उनको साफ़ करना था। बिल्कुल उसी मेथड से मैंने सारा साफ़ कर लिया है। अब यहाँ पे जो था ना एक इलेक्ट्रिक स्विच है, इस वजह से मैंने इसको वॉश नहीं किया, इसको मैंने गीले कपड़े से अच्छी तरह से टाकी के साथ जो है ना साफ़ किया है। पहले मैंने वॉल टाइल्स को, उसके बाद मैंने उनको ड्राई कर लिया था। बहुत अच्छी शाइनी सी हो जाती हैं आपकी। और ये जो लिक्विड क्लीनर्स होते हैं ना, इसमें एक शाइनर टाइप का उन्होंने सब्सटेंस डाला होता है, जिसकी वजह से बर्तन भी बहुत अच्छे चमकते हैं सोप की नस्बत। और इसी तरह से आपकी टाइल्स भी बहुत अच्छी चमकेंगी। अगर आप सोप वगैरह से कोई क्लीनर बनाते हैं तो उसमें ना आपके पास स्केल्स आने का ज़्यादा ख़तरा होता है। दूसरा, अगर आप उसमें सिरका या कोई इस तरह के एसिडिक चीज़ डाल रहे हैं तो आपकी टाइल्स और मार्बल दोनों के लिए बहुत डेंजरस है। तो बस यहाँ पे मैंने दूसरी साइड वाला भी काउंटर क्लीन कर लिया था। अच्छा, मुझे ना किचन, वो बहुत किचन अच्छे लगते हैं, और मेरा अपनी मेरी ख्वाहिश है कि किचन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हम रोज़ के रोज़ उसको वॉश कर लें, मतलब ड्रेन का सिस्टम भी किचन के अंदर हो, हम रोज़ाना उसको वॉश कर लें और उसके बाद जितना भी पानी है किचन का किचन से में ही निकल जाए। लेकिन मेरे पास जो है ना अनलकीली क्या है कि किचन जो है मेरा, उसका पानी सारा जो मेरा बाहर लिविंग एरिया उससे गुजर के वहाँ पर ड्रेन है, वहाँ से भर जाता है, किचन से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए फिर मैं वंस इन अ वीक इसको वॉश करती हूँ, मैं इसको डेली वॉश नहीं कर सकती। तो यहाँ पे मैंने फ्लोर पे भी बस थोड़ा सा गर्म पानी डाला है, मैंने पानी को यहाँ पे बॉईल किया थोड़ा सा, क्योंकि गीज़र तो आजकल ऑफ है। वैसे तो नलकों से भी खोलता हुआ पानी आ रहा होता है, लेकिन मैंने फिर भी पानी थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ गर्म किया है। और सिर्फ़ ये वाला एरिया जहाँ पे चूल्हा है और उसके साइड्स पे जो एरिया है उसके ऊपर मैंने गर्म पानी डाल के, उसके बाद मैंने लिक्विड जो डिटर्जेंट है या लिक्विड डिश वॉशिंग सोप है वही मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। उसके बाद अच्छे से मैं इसका सोप बना कर ना उसको रगड़ के साफ़ कर लूँगी। आप झाड़ू के साथ भी ये काम कर सकते हैं। मेरा झाड़ू ना इस टाइम बहुत छोटा हो गया हुआ था, तो उसके साथ मैंने ये करना प्रेफर नहीं किया, मैंने बस इसके साथ कर लिया है। ये भी बड़े अच्छे से क्लीनिंग कर देता है। तो बस इस तरह से सारे किचन में ना मैंने इस सोप के साथ अच्छी तरह से सफ़ाई कर ली है। उसके बाद मैं पानी के साथ सबको, सारे सोप को भी हटा दूँगी और सारी सफ़ाई कर लूँगी। और वॉश करने के बाद ना बहुत नीट हो जाता है, और इसी वजह से मुझे धुले धुलाए किचन बहुत पसंद है। लेकिन अनलकीली मेरे किचन में से पानी नहीं निकलता, तो मेरा वॉशिंग का काम जो है ना वो वंस इन अ वीक होता है। तो बस यहाँ पे मैंने सारा सूप वगैरह यहाँ से हटा दिया है, और हल्का हल्का सा मैंने पानी खोला हुआ है ताकि बहुत ज़्यादा पानी जमा ना हो जाए किचन में। और इसके साथ साथ मैं वॉश करती थी, साथ पानी ज़ाया भी बहुत होता है, मैं हल्के हल्के पानी के साथ करी थी। और पहले एक दफ़ा मेरी हेल्पर आती थी, तो जब भी वो किचन अगर मैं उसे वॉश करवाती थी तो सारी अलमारी और मतलब जो वुड का है और उसके अलावा जो किचन का नीचे वाला पोर्शन है सब के ऊपर ना पानी के निशान पड़े होते थे जब वो वॉश करके जाती थी, और इवन के वो गीले हुए हुए होते थे। और इससे बेहतर है कि इंसान खुद ही काम कर ले, क्योंकि वो काम तो कर देती हैं लेकिन अपनी जान छुड़ाने वाला काम करती हैं। तो बस यहाँ पे किचन सारा मैंने क्लीन करके, यहाँ पे मैंने बस वाइपर लगाना था, इसको मैं ड्राई कर लूँगी। तो किचन सारा साफ़ सुथरा हो गया था मेरा, और इस तरह से मैं अपने किचन को क्लीन करती हूँ। क्लीनिंग वाला जो मतलब वॉशिंग वाला काम है किचन को वॉश करने वाला, वो मैं वंस एंड अ वीक क्लास में कर लेती हूँ। लेकिन जो डीप क्लीनिंग जो आपके साथ मैंने शेयर किया वो मंथली बेसिस पे होती है, मतलब वंस अ मंथ में करती हूँ। उसके अलावा जो भी मसाला वगैरह मेरे पास होते हैं बॉक्सेस, उनको मैं जब भी रिफ़िल करना उनको मैं दोबारा से वॉश करके रिफ़िल करती हूँ। तो यह है कि बहुत अच्छा क्लीन टाइडी रहता है। और जो ड्रॉअर्स हैं उसके अंदर जितनी भी चीज़ें रखी हैं वो मैंने बहुत अरेंज करके रखी हुई हैं, और जब भी मैं निकालती हूँ उनको मैं तरतीब से रख देती हूँ, तो उनको मुझे दोबारा सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो किचन क्लीनिंग बिल्कुल डन हो चुकी है, और किचन क्लीन हो तो दिल को बड़ा सुकून होता है। और यह है जी फाइनल लुक, इस तरह से सारे का सारा जो है ना मैंने इसको क्लीन कर दिया था, वो भी सिर्फ एक चीज़ से सिर्फ मैंने इसको साफ़ कर लिया। आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।